कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन। सिद्ध चक्र महामंडली विधान की आराधना का ऐसा महान महोत्सव और शास्त्रकार लिखते हैं। हम सब निगोद में पड़े थे। निगोद मतलब क्या? इतने सूक्ष्म जीव थे हम सभी लोग। एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में जितना समय लगता उतनी देर में 18 बार पैदा हुए, 18 बार मरे। ऐसी खतरनाक घनघोर पीड़ाओं का दर्द को हमने झेला, हमने सहन किया और आज इस धरती पर आए, इस मनुष्य योनि में आए। सुन दुर्लभ संत गावा, ऐसी पवित्र मनुष्य योनि में आकर के पैदा हुए। भारत देश धर्म प्राण धरती पर आकर के हम पैदा हुए। वजह क्या थी? वजह थी वो 108 सिद्ध जीव, वो 108 अधिराज, वो 108 तपस्वी, 108 त्यागी, जो 108 त्यागी सिद्ध लोक में चले गए, मोक्ष में पधार गए। और जिस वजह से धरती में एक जगह खाली हुई कुछ भव्य जीवों की, धर्मात्मा जीवों की, और हमें आ जाने का सौभाग्य मिला। मुझे नहीं मालूम वो 108 जीव कौन थे जिनके मोक्ष में जाने की वजह से मुझे उस नरक से भी नीचे की धरती से निकल करके यहाँ पर आने का सौभाग्य मिला। आपको भी नहीं मालूम वो 108 जीव कौन से थे, वो सिद्ध कौन से थे, परमात्मा कौन से थे जिनकी कृपा, जिनकी अनुकंपा बरसी और आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं। हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं सिद्ध भगवंतों के चरणों में कि जिनकी वजह से आज इन खुली हवाओं में सांस ले रहे हैं, इस कुदरत के नजारे को, सौंदर्य को देख रहे, धर्म का, संस्कृति का संगीत आज हमारे कानों में गूंज रहा है और भक्ति आज हमारे हृदय को स्पर्श कर रही है। श्रद्धा की ये सुगंधे हमारी नासापुटों में नाक से भीतर तक हृदय की खुशबू से भरपूर कर रही है। आज वो क्षण हम सबको मिले हैं। आयोजन का नाम क्या है? सिद्ध चक्र महामंडल विधान। जैसा कल बाऊजी ने, बाऊसा ने बताया था, बाकी सारे विधान हैं, सिद्ध चक्र क्या है? इन सारे विधानों को राजा है, राजा सम्राट है, सम्राट सम्राट जब आपके पीछे हो जाता है, सम्राट जब आपसे खुश हो जाता है, तो बाकी सारे लोग आपके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाया करते हैं। मैं कई बार कहा करता हूं, मैं एक छोटी सी लड़की झोपड़ी में पैदा हुई, खाने को दो दाने नहीं उसके पास में। एक दिन सम्राट की नजर पड़ी लड़की के ऊपर, पसंद आ गई, पिता के पास प्रस्ताव पहुंचा, माँ के पास प्रस्ताव पहुंचा कि राजा आपकी बेटी शादी करना चाहता है। माँ को और बाप को तो इतना खुशी हुई, फूला ना समाए। मैंने कहा ठीक है, डन, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। और जब दूसरे दिन, जब शादी होने के अगले दिन बाद जब बड़ा भारी जुलूस निकला उस नगर के अंदर, तो बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े मिनिस्टर हाथ जोड़ के खड़े हुए थे। कल तो जो फटे पत्ते पर नहीं पूछते थे, कल तो जो सेकंड के लिए देखते नहीं थे, वो सारे बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े मंत्री, संतरी, ये वो सारे सारे हाथ जोड़े, रानी साहिबा, रानी साहिबा के जय हो, रानी साहिबा के जय हो, रानी साहिबा के जय हो। क्यों? सम्राट ने उसको अपना लिया था, सम्राट ने उसको अपना लिया था। तो वैसे ही क्या, जितने सारे नौ देवता होते, नौ ग्रह होते, शुक्र शनिचर राहु केतु मंगल, ये पितर दोष, काल सर्प दोष, ये दोष वो दोष, हजार भूत प्रेत पली शागिनी डाकिनी, ये वो हजार उपद्रव जीवन के भीतर आया करते हैं। लेकिन जिस दिन तीन लोग का नाथ में अपना लेता है, वो सारे ग्रह नक्षत्र हमारे आगे हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं। मुसीबतें अपने आप पलायन कर जाया करती, रास्ता छोड़ दिया करती है, विघ्न बाधाएं हट जाया करती है। वो क्षण हमें भगवान की भक्ति से अपने जीवन के अंदर हमें मिला करते हैं। आज हम सब आए सौभाग्य हमारे जीवन का, ऐसा परम पवित्र हिंदुस्तान की ऋषि मुनियों की धरती, तपस्वी त्यागी की धरती, तीर्थंकरों ने, परमात्माओं ने, अवतारों ने, पीरों फकीरों ने ये धरती को अपने तपस्या से, त्याग से, अपने प्रेम से, अपने बलिदान से सींचा। आज धरती पर आकर बैठने का सौभाग्य हम सबको अपने जीवन के भीतर प्राप्त हुआ है। कितना सुंदर लग रहे बताओ आप लोग। तो बोलते हैं पंजाबी में ऐसा बोलते हैं, है ना, वो भारतीय गण बैठी पीछे ऐसा पंजाबी में ऐसा बोलते हैं, ऐसा करते ना हाथ, ऐसा करते हैं फिर ऐसा करते हैं, क्या बोलते हैं, सच के जामा नजर न लगे, ऐसे बलैया लेते हैं। सच में इतने सुंदर लोग बैठे, पीले धोती दुपट्टे, पीली साड़ी पे महिलाएं बैठी हुई है। आज ऐसा मन कर रहा है आपकी नजर उतारो, नजर न लगे आपको किसी की, है ना, कितना इतना इतनी भक्ति बताओ आप। लग रहा था जब नाथू जी पहली बार आए थे, कमल जी पहली बार आए थे इस गणेशी लाल क्लब के ट्रस्ट के ट्रस्टी लोग जब मेरे पास में आए, निदो जी, प्रवीण जी जब मेरे पास में आए थे, अनिल जी जब मेरे पास में आए थे, तो मैं सोच रहा था ये चार छह गिने चुने लोग कैसे प्रोग्राम, कैसे फंक्शन हो पाएगा। लेकिन तीन लोग के नाथ का आशीर्वाद, जय प्रभु राजे, आचार्य सुनील साहब जी कृपा ऐसी, करुणा ऐसी बरसी,
कैसा लग नहीं रहा है कि चार लोग पूरा समाज पूरा जमेर आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है विभिन्न विभिन्न कॉलोनी से एरियाओं से विभिन्न विभिन्न कई सारे ट्रस्टी पदाधिकारी आए हैं आम आदमी आए हैं और तो और आपकी आंखें नहीं देख पा रही है लेकिन स्वर्ग के देवता भी यहाँ पर मौजूद है। भगवान के भक्ति के नसीब इंसान बल्कि स्वर्ग के देवता भी मौजूद हो जाया करते हैं। आज जो क्षण भक्ति के माध्यम से प्राप्त हुआ करते हैं और आज हम सब बैठे हुए हैं बताओ ये डाल पंडाल पंडाल नहीं है ये पंडाल नहीं डाल है डाल ये भक्ति की डाल है। इस भक्ति की डाल पर इतने सारे कोयल बैठी हुई है इतने सारे कोयला बैठे हुए हैं और सब मिलके कुहू कुहू का नाच छेड़ रहे बताओ कितना सुंदर कितना प्यारा क्षण है बताओ। रामायण में लिखते तुलसीदास जी रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं राम को मात्र एक ही शबरी मिली थी उस पूरी रामायण के अंदर उन 108 इसमें ज्यादा रावण भी है सब बौद्ध रावण उसमें उर्दू वाली रावण भी है। बीकानेर में तो आज भी मुस्लिम लोग रामायण का पाठ करते हैं उर्दू भाषा में तो 108 रामायण के अंदर राम जी को मात्र एक ही शबरी मिली थी लेकिन ये मेरे जीवन का सौभाग्य इतनी सारी सबरिया बैठी हुई यहाँ पर इतना सबरा बैठे हुए हैं बताओ और सब सबरी सबरा सब मिल करके भक्ति लोग के नाथ की भक्ति साधना को यहाँ पर करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज हम सब बैठे हैं यहाँ पर तो क्यों बैठे हैं कि महान पुण्य था सिद्ध चक्र क्या सिद्ध चक्र चक्र यानी क्या होता है तू उसके चक्र में फंसना मत बोलते ना वो अमुक गुंडे के चक्र में फंस गया तो गुंडे के चक्कर में फंस जाते हैं जब गुंडे के चक्कर में फंस जाते हैं तो आपके परिवार को बर्बाद कर देता है और सिद्धों के चक्कर में जब आ जाते हैं आपके दुखों को बर्बाद करके पीड़ाओं को बर्बाद कर दिया करता है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान का पवित्र आयोजन में हम सब यहाँ पर बैठे हुए और इस पंडाल की डाल पर बैठ के सब कोई कुहू कुहू कर रही है तो आज हम सब बैठे हैं समझाओ यहाँ काक भी काका हो गए काक कौन कौआ कौआ इन्हें कौन वो ऐसा कैसा वो फटी बांस की आवाज में काव 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 करने वाला वो काक भी काका बन जाता है वो काक भी सबका प्यारा बन जाता है बन जाया करता है। तो बस यही बात जो आपके सामने कहना चाहूंगा मैं बच्चे शान हुआ करते हैं देश की परंपरा की संस्कृति के झंडे को थामने वाले हुआ करते हैं न सिर्फ बुजुर्गों ने न सिर्फ जवान लोगों ने बल्कि कई सारे बच्चों ने भी इस सिद्ध चक्र आराधना को भगवान के इस पूजा पाठ को भक्ति की इन क्षणों में यहाँ पर आए हैं। अभी कल ही पुष्कर का मेला था तो लोगों ने मुझे बताया बोले महाराज कलेक्टर साहब ने छुट्टी कर दी कलेक्टर के दो कलेक्टर दो शब्द लिख देता है कलेक्टर दो शब्द लिख देता है पूरे जिले के सारे स्कूल के हजारों हजारों बच्चों की छुट्टी हो जाती है कलेक्टर के दो शब्द हजारों बच्चों की छुट्टी कर देते हैं और परमात्मा के जो शब्द है आपके कर्मों को छुट्टी कर देते आपके दुखों को छुट्टी कर देते दुखों से मुक्ति आपको दिला दे करते हैं। तो आज हम सब बैठे हैं और मुझे मालूम है मुझे बहुत अच्छे से मुझे मालूम है कि अभी इस विधान के बाद में एक बहुत शानदार एक बहुत विराट आलीशान जुलूस निकलने वाला है और मुझे मालूम है पंडाल में जितने लोग बैठे इससे कई गुना अधिक लोग जुलूस में शामिल होने वाले हैं। क्या ठाट के साथ भगवान किसी जी के तीन लोकनाथ की सवारी निकलेगी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यहाँ पर आई थी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यहाँ पर आई थी तो क्या हुआ वो लोगों ने बताया मुझे रस्ते बंद हो गए रस्ते ब्लॉक रस्ते जाम हो गए पुलिस वाले हर चौराहे पे खड़े थे हर रस्ते पे खड़े थे कोई ट्रैफिक गुजरेगा कोई वाहन नहीं आएगा कोई गाड़ी नहीं आएगी कोई गाड़ी जाएगी नहीं पूरा ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया गया पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया क्यों प्रधानमंत्री आ रही है बताओ ये प्रधानमंत्री आता है तो पूरे रास्ते बंद हो जाते एक इंसान यहाँ से वहां एक गाड़ी यहाँ से वहां नहीं जा सकती है और जब तीन लोग के नाथ जब आशीर्वाद देते जब गुरु का आशीर्वाद जब बरसता है कोई दुख कोई मुसीबत आपके लाइफ में एंट्री नहीं मार सकती कोई ट्रैफिक सारा जाम हो जाता है दुखों का मुसीबतों का संकटों का पूरा ट्रैफिक जाम हो जाया करता है। तो दुख के ट्रैफिक को जाम करने के लिए दुख आगे ना पड़े तू जीवन में घुसे नहीं और तू कैसे जीवन में नहीं आते बताइए आप दुख बनिया जब मन में शांति का सागर जब लहराने लगता है जब मन के उस दरवाजे पर जब आनंद की कोयल जब कुहू कुहू करने लगती है जब दिल के सितार पर श्रद्धा का संगीत जब गूंजने लगता है तो फिर ऐसा होता है कि हजार बाधाएं आती लाख बाधाएं आती लेकिन इंसान विचलित नहीं होता डामा डोल नहीं होता है। सीता जी की परीक्षा
सीता जी अग्नि के बीच में बैठी हुई है, उन्हें कोई डर नहीं है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, उनका भरोसा अपने पति धर्म पर, उन्हें भरोसा अपने परमात्मा पर। और जब परमात्मा पर भरोसा करना आप शुरू कर देते हैं, जब गुरु पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, जब धर्म संस्कृति पर, सदग्रंथों पर, इन पवित्र पुराणों पर, मां जिनवाणी पर आपका भरोसा हो जाता है, ये भरोसा आपको उतार देता है, ये भरोसा संसार के दुख को खत्म कर देता है, ये भरोसा, ये भगवान के श्रद्धा, ये भक्ति, विश्वास, समर्पण आपके दुखों को दूर करता है। दूसरी तरफ दुधारी तलवार की तरह आपको परमात्मा की राह में आगे बढ़ा भी दिया करता है। तो आज ये क्षण आज है हमारे बीच में, हम सब मौजूद हैं, हम सब बैठे हुए यहाँ पर। बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है, आज हम एक आवाज पैदा कर रहे हैं। आवाज, अब नहाते हैं तो आवाज होती नहीं होती है, जब आप नहाते पानी गिरने की आवाज होती है, वो जो पाइप होता है उस पाइप की आवाज, वो पाइप में से पानी निकल के नाली में गिरता आवाज होती है। भोजन बनाते हैं एक आवाज होती है, आटा पीसने की, गेहूं पीसने की आवाज होती है, मिक्सी चलने की आवाज होती है, आप चकले बेले पर रोटी बनाते हैं, रोटी की आवाज कभी गैस खराब हो जाती है तो गैस जलाते हैं, गैस आवाज के साथ में गैस जलती है। आप लाइटर टिक टिक करते हैं, लाइटर की आवाज होती है, आप भोजन बनाते आवाज होती है, आप भोजन करते तो आवाज होती है, भोजन चबाने की आवाज होती है। भली आवाज इतनी छोटी सी हो कि पड़ोसी को सुनाई ना दे, पर आवाज तो होती, बहुत सूक्ष्म रूप में आवाज होती है। आप सो रहे होते हैं तो सांसों के चलने की एक पर्टिकुलर आवाज हुआ करती है। आप कहीं भी कुछ भी काम कर रहे होते हैं, आप एक साउंड क्रिएट कर रहे होते हैं, आप एक आवाज पैदा कर रहे होते हैं, आप तरंग पैदा कर रहे होते हैं। और निश्चित मानिए, जब पूजा भक्ति के क्षण में आप डूब जाते हैं, जब आप मंदिर के अंदर बैठ जाते हैं, जब परमात्मा के चरणों में बैठ के निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, भगवान मैं सिर्फ तेरा हूं, मुझे तू चाहिए, और जब परमात्मा, जब आवाज आपके दिल की गहराइयों से निकलना शुरू होती है, जब आवाज आपके दिल की गहराइयों से निकलना शुरू होती है कि परमात्मा तू मेरा है, तू मेरा है, तू परमात्मा तू मेरा है, मुझे मात्र तेरी भक्ति चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेरी करुणा, तेरी कृपा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। और जब दिल की गहराइयों से, जब इतनी जोर से जब आवाज निकलती है, तो एक दिन ऐसा भी होता है परमात्मा आपके दिल के अंदर आ जाता है, और फिर पूरा जीवन सुंदर हो जाता है। फिर ये निगाहों को आंख खोल के किसी मंदिर के, किसी मूर्ति के दर्शन नहीं करने पड़ते हैं, आंखें बंद होती हैं, और वो है वो कालिया बाबा, वो काला बाबा, वो सावरी आंखों के सामने आ जाया करता है। बस इसी के चलिए हम सब बैठे हैं यहाँ पर, आज हवन होने वाला है। अंग्रेजी में शब्द हेवन, हवन से हेवन मिलता है, क्या एक शब्द और हैवान, जो हैवान होता है वो हवन नहीं कर पाता है, जो हैवान से हवन की तरफ बढ़ रहे हैं, हवन से हेवन की तरफ बढ़ रहे हैं, और हेवन से एवन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो एवन जो एवन का भी एवन है, जो बादशाहों का बादशाह, सम्राटों का जो सम्राट है, क्या वो परमात्मा आज भक्ति में डूबने का क्षण हमको यहाँ पर इस इंद्र परिवार ने हमें ये दिया है, इस ट्रस्ट कमेटी ने हमें दिया है, समाज के मुखियाओं ने आपको दिया है, इनको सद्बुद्धि आई, इन मुखियाओं को सद्बुद्धि आई, इनके मन के अंदर भक्ति के, सेवा के विचार पैदा हुए, बस उसी शिवा भक्त के विचारों ने आज इस पूरे महफिल को यहाँ पर जमा दिया है। इतने संगल का ढेर यहाँ पर लगा हुआ है। मैंने कल भी कहा था, पिछले दिनों भी कहा था कि बाकी दुनिया के लोग दौलत के ढेर को देख के खुश होते हैं, उन्हें खुशी होती है, और भक्त जो होता है वो नारियल के ढेर को देख के खुश होता है, बोले वाह कितने नारियल, कितने नारियल हैं। एक इंसान एक नारियल चढ़ाया है, आपने नारियल नहीं चढ़ाया है, आपने नारियल नहीं चढ़ाया है, आपने मोक्ष में जाने के लिए अपना टिकट रिजर्व कराया है, मोक्ष में जाने के लिए टिकट आपने रिजर्व कराया है। वो कितना सौभाग्यशाली है वो लोग जिन्होंने इस पुण्य सामग्री में, इस पूजन विधान की नष्ट द्रव्यों के अंदर अपना योगदान दिया है, वो कितना सौभाग्यशाली है जो जिन्होंने तन से, मन से, धन से व्यवस्थाओं का अंजाम दिया है, दिन रात जुटे, पसीना बहाया है, किसी को फोन किए। रात मुझे लग रहा है आज राजनीति पूरी यहाँ पर बैठी हुई है, देवनानी जी यहाँ पर बैठे हैं, अनिता जी यहाँ पर बैठी है, नीरज जी बैठे हैं, सुनील दत्त जी यहाँ पर बैठे हैं, प्रकाश पाटनी बैठे, कई सारे दिग्गज धुरंधर यहाँ पर आज मौजूद राजनीति के। मुझे लगता है क्या मुंशी तरुण साहब जी महाराज कहा करते थे, क्या तरुण साहब महाराज कहा करते थे, क्या तरुण साहब जी महाराज बोलते थे कि मेरा कमंडल वो तुम्हारा मंत्री मंडल मिल जाएगा तो क्या से क्या हो जाएगा। निश्चित रूप से
राजनीति के लोग जब परमात्मा के चरणों में जब पहुंचते हैं, राजनीति के लोग जब संत के चरणों में जब पहुंचते हैं, जब दिल में भक्ति जब पैदा होती है, विचारों का शुद्धिकरण होता है, और जब राजनीति के कुछ गिने चुने 4, 6, 8, 10 लोग के दिमागों का मन का शुद्धिकरण हो जाता है, तो लाखों लाखों लोग अपने आप धर्म की राह पर बढ़ना शुरू हो जा करते हैं। समाज के मुखिया लोग जो हुआ करते हैं, राजनीति के मुखिया लोग जो हुआ करते हैं, तो बड़ा भारी दायित्व होता है, बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर हुआ करती है। आप अपने परिवार के मुखिया हैं, मैं देख रहा हूँ दादियों को, देख रहा हूँ मैं दादाजी लोग को, देख रहा हूँ मैं हर रोज बराबर आ रहे हैं, आपकी इतनी श्रद्धा होती है, आपकी इतनी भक्ति होती है। कई दादाजी तो ऐसे भी हैं, रमेश काका बैठे हुए यहाँ पर, ब्रह्मचारी जी जब खराब थी, बीमार थी, फिर भी आए, क्यों आए? अरे मैं अकेला नहीं हूँ, पूरा परिवार मेरे पीछे बैठा हुआ है। विपरीतताओं के बावजूद, संकट के बावजूद, मुसीबत के बावजूद, शरीर साथ नहीं देता उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर आते हैं, तो वो परमात्मा अपने हजार हजार हाथों से आप पे दुआओं के प्रेम की बरसात करना शुरू कर दिया करता है। भरा पूरा इंद्र परिवार बैठा हुआ है, मुझे मालूम पड़ा, मुझे बताया गया। कई सारे लोग तो इसमें ऐसे भी हैं जो जीवन में पहली बार विधान के अंदर बैठे हैं। कल मुझे अनिल जी बता रहे थे, बोले महाराज लाइफ में पहली बार शांति धारा करी, इतना आनंद आया, क्यों? लाइफ में पहली बार आचार्य जी के फोटो का अनावरण किया, लाइफ में पहली बार दीप प्रज्वलन किया, लाइफ में पहली बार मोहन के चरणों का प्रक्षालन किया, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो खुशी देने के लिए जब भीतर से खुश होना, ये पूजन विधान सिर्फ बहाना है, इस पूजन के बहाने, इस विधान के बहाने आपको खुशी देना है। और जिस दिन आप भीतर से खुश होना शुरू हो जाते हैं, उत्सव जीवन के भीतर पैदा हो जाता है, तो उस उत्सव की वजह से क्या होता है, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी समृद्धि, आपकी संपत्ति, आपके परिवार का प्रेम, आपका आरोग्य बढ़ना शुरू हो जाता है। आप जब उत्सव मनाना शुरू करते हैं, उत्सव मनाना मतलब क्या, बढ़ना शुरू होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं व्रती श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित सुरभि अर्णव जैन, तुषार शिल्पी आरव जैन।